वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो ट्रिक्स है उसका डिस्कशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी देख रहे हैं। तो हमने अपने पुराने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए, उसके बाद आर एस अग्रवाल की प्रॉब्लम सॉल्व की, फॉलोड बाई राकेश यादव की, क्योंकि ये दोनों बुक बड़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप SSC हो या SSC की तैयारी कर रहे हो या किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की रेलवे या कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों बुक्स बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी का हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का विश्लेषण किया। तो आपके कुछ कमेंट्स आए हैं कि जो हमारा 2θ का एंगल होता है, 3θ का एंगल होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आपकी उस कमेंट पर ध्यान देते हुए हम इस वीडियो में sin2θ, cos2θ और tan2θ के बारे में डिटेल में जानेंगे। भाई इसकी जरूरत क्या है और क्यों हमने इसका निर्माण किया। इंसानी फितरत देखो बच्चों, ऐसा होता है कि हम किसी चीज को सरलतम भाव में देखना चाहते हैं, मतलब कि एक सही सटीक ढंग में। घर भी आपने देखा होगा कि एक अच्छा सा रूम होता है, वेल डेकोरेटेड होता है, अलमारी अलमिराज बनी होती हैं आपकी, एक पूजा की अलग अलमिरा होती, कपड़े रखने की अच्छी सी अलमिरा होती, ये सब चीज़ें अलग अलग और एक नीट एंड क्लीन वे में रखना चाहता है। तो इंसान क्या है, सरलीकरण की भावना रखता है, आसान सा करना चाहता है। तो क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में बड़े बड़े फंक्शन हो गए हैं, कई सारी बड़ी बड़ी, तो अब इन इतना अगर आंसर रूप में या हम लर्न करने लगेंगे तो हो गया। तो इसलिए जो है ना, हमने इन चीजों को इजाद किया। तो इसी श्रृंखला में sin2θ का भी इजाद हो गया। अब बच्चों देखो, sin2θ क्या होता है, अब हमारा ये एंगल 2θ में है। नॉर्मल हम क्या करते थे, sin θ देखते थे, तो थीटा से हम 2θ में पहुंच गए हैं। तो इसके बीच में क्या संबंध है, कैसे हम इनमें संबंध बनाए, अब अगर आप देखेंगे तो साइन, आप ध्यान से सुनते रहिए, sin2θ बराबर क्या होता है बच्चों, 2sin θ इंटू cos θ होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप ये लिखेंगे या आप ये लिखेंगे तो शोभा कौन सा देता है, sin2θ अच्छा लगता है, छोटा सा मुन्ना सा अपना sin2θ, और ये लिखा 2sin θ इंटू cos θ। तो इसीलिए इंसान ने, गणितज्ञों ने ऐसा फॉर्मूला, इसकी वैल्यू इसके बराबर लाएगी। तो अब ये चीज इतनी बड़ी सी दो टर्म की, ये इसके बराबर कैसी हुई, तो ये जानते हैं। देखो बालकों, अब हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, आपको आप भी हमारे साथ चलिए। लिखा है sin2θ के फॉर्मूले कैसे आते हैं, इसके बारे में डेरिवेशन क्या होता है, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो हमने बालक आपको बताया था sin a + b का फॉर्मूले, आपको बताए थे हमने sin a + b का बताया था, sin a - b का बताया था, आप lecture 2 में देख सकते हैं, lecture 2 या lecture 3 में हमने sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो बालकों, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, sin a cos b प्लस cos a (sin b) होता कि नहीं होता बच्चों। अब देखो a + b, यहां a भी थीटा, b भी थीटा, हम भी थीटा, तुम भी थीटा, मतलब ये कितने थीटा, sin2θ, a = b = θ, पुट इट a = θ and b = θ इन दैट इक्वेशन। तो बालकों हमें क्या मिलेगा, sin2θ मिल गया, sin2θ बराबर, अब बालकों ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मतलब cos a मतलब cos θ, cos b मतलब cos θ, तो मतलब कि sin θ (cos θ). इधर बच्चों देखो, cos a की जगह थीटा और sin b की जगह थीटा, तो cos θ (sin θ) प्लस cos θ (sin θ). अब बच्चों, एक ये sin θ (cos θ), एक ये sin θ (cos θ), जुड़ के 2 नहीं हो जाएंगे, जब बच्चों ये जुड़ के 2 हो गए तो 2sin θ (cos θ), ये sin2θ। तो बालकों यही आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है, sin2θ = 2sin θ (cos θ). बात समझ में आई कि नहीं है बालकों? तो हमने sin2θ को सिंगल थीटा में हमने ब्रेक कर लिया। अब आप चाहें तो इसी sin2θ को आप सिर्फ sin के फॉर्म में याद कर सकते हैं, ये sin θ और cos θ दोनों के टर्म में है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे tan के टर्म में याद कर सकते हैं। अब बच्चों, tan के टर्म में कैसे बनाएंगे, अब देखो ये लिखा है sin θ (cos θ) sin2θ = 2sin θ (cos θ) लिखा है कि नहीं। अब हम इसे tan के टर्म में बनाना है, तो देखो बच्चों, tan θ बराबर क्या होता है, sin θ / cos θ,
तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से कॉस थीटा का हम भाग दे देते हैं और अपने मन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा। अब ये देखो, 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा क्या हुआ, 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसे हमें टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि कॉस थीटा बराबर 1 sec थीटा। तो बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1 sec² थीटा, 1 sec² थीटा। और बच्चों सबसे पहले वीडियो में हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan² थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus cot² थीटा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec² थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 plus tan² थीटा। तो बच्चों 1 plus tan² थीटा। तो बच्चों इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर ले, तो मतलब 2 tan थीटा बटे 1 plus tan² थीटा sin 2 थीटा। तो बालकों ये देखिए आपका एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ गया, साइन टू थीटा की वैल्यू टेन थीटा के टर्म में और यहां से साइन टू थीटा की वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले पता हो गए, साइन टू थीटा की वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा में और साइन टू थीटा की वैल्यू टेन थीटा में, तो बच्चों आपको 2 थीटा से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो साइन में है। बात समझ में आई कि नहीं आई बालकों? तो इसी प्रकार जैसे हमने साइन टू थीटा का ये डिटेल में अध्ययन किया, साइन टू थीटा को हम ले आए साइन और कॉस में और टेन में, इसी प्रकार हम कॉस टू थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाल को देखो कॉस टू थीटा क्या बला है इसका हम देखते हैं। इसके लिए देखिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कहाँ से आया, इसकी भी वही कहानी है जो हमने पुरानी कहानी आपको बताई साइन ए प्लस बी करके। तो ऐसे ही कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, मतलब कॉस वही फॉर्मूला ए प्लस बी का। अब बालकों हमने आपको बताया था कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर कॉस ए प्लस बी अगर प्लस लिखा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिना देरी करते हुए लिख दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बच्चों ए बी थीटा बी बी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, क्योंकि ए बी थीटा और बी बी थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे याद कर लीजिए, कंठ में धारण कर लीजिए, गंठी मार लीजिए। बात समझ गए बच्चों कि हमने साइन टू थीटा अपने पिछले पेज में अभी आपने देखा, अभी ये कॉस टू से जाके हम डिटेल में देख रहे हैं। तो कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा और साइन थीटा में हमारा मन है कि हम इसे साइन साइन में ही रख लें, सिर्फ साइन में या फिर सिर्फ कॉस में ही रख लें। तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 1 minus sin² थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है। तो बच्चों कितना हो गया 1 minus 2 sin² थीटा। बात समझ में आई? तो बच्चों कॉस टू थीटा का एक ये नया फॉर्मूला है साइन थीटा के टर्म में। इसी प्रकार अगर आपको सिर्फ कॉस थीटा के टर्म में चाहिए तो इस साइन टू थीटा को बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे 1 minus cos² थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 cos² थीटा - 1। आप इस फॉर्मूले को याद कर लिए, बाकी दो आप ड्राइव कर लेंगे, बात पक्की। अब बच्चों एक और देख लेते हैं बस इसमें कि कॉस टू थीटा को हम टेन थीटा के टर्म में क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनाएंगे वो देखो बालकों। कॉस टू थीटा बराबर यहां देख लो ये लिखा है, तो हम क्या करें बालकों, या फिर आप किसी भी फॉर्मूले में, क्योंकि आपको टेन बनाना है, टेन कैसे बनेगा, अगर साइन थीटा लिखा है तो कॉस थीटा से भाग दे दो, अगर कॉस थीटा लिखा है साइन थीटा तो कॉट थीटा बन जाएगा, उसे 1/2 कर देंगे तो हमें टेन में बदल जाएगा। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, कॉस टू थीटा बराबर 1 minus 2 sin² थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बालको, अब इसमें हम
कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। बात समझ में आई? अगर बच्चों हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई वाल को? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब क्या होगा जब हम इसका इसमें भाग देंगे? भाग दे दीजिए बिना देरी करते हुए। देखो ये क्या होगा, वन बाई अलग अलग करेंगे तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, वन बाई सेक स्क्वायर थीटा, मतलब पूरे के बटे सेक स्क्वायर थीटा। आगे बराबर आप ध्यान से बस देखते रहिए बच्चों, इन क्वेश्चन में या इन जो हमारे फॉर्मूलेज हैं इनमें कुछ है नहीं, बस आप ध्यान से बस देखिए और समझिए। अब देखो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने आपको फॉर्मूला बताया था शुरुआत में, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और ये माइनस के टू टेन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है, पूरे के बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आगे सॉल्व कर लें इसे, एक लाइन और लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये माइनस के टू टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक टेन स्क्वायर थीटा, घट के क्या बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस टू थीटा की वैल्यू बच्चों टेन के टर्म में आपके पास आ गई। तो बालकों आपको साइन टू थीटा की फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के टर्म में याद होने चाहिए, हमने आपको डिटेल में समझाए, डिटेल में प्रूविंग इसकी बताई। तो आप एक बार कॉपी पेन उठा के खुद से एक बार ये कर लेंगे तो आपको जीवन पर्यंत तक आपको कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के सारे फॉर्मूले ड्राइव के लिए सारे फॉर्मूले ड्राइव कीजिए, हर एक के टर्म में, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में, और उन्हें कंठस्थ कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे थ्री थीटा के फॉर्मूले लेकर। तो आप इसे एक बार अपने कॉपी पेन में अपने मन से ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से ड्राइव कर लीजिए। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।